राधे मेरी स्वामिनी, मेरा राधे गोदा, जन्म जन्म राधा तू बड़ भावनी, कौन तपशांति तीनों लोक की नाथ है, सो जय राधा माधव कुंज विहारी, 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 जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव 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 कुंज बिहारी, गोपी जनवर Thank you.
जगन्नाथपुरी में आज भगवान की बहुत बड़ी रथ यात्रा निकली। आइए हम लोग सशरीर तो नहीं, कम से कम मानसिक जगन्नाथपुरी में जय 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 जय
हमारे जीवन का पथदर्शी हमें राहत प्रार्थना करिए जगन्नाथ स्वामी से। पीता परा
फलाघरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णातरम् किमपि तत्त्वं न जाने नमो विष्णुपादाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने दिनामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णा कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः पंचोत्कम कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसे देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवर्णवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्ट्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती निष्ठकी भक्तिर्भवती निष्ठकी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण मतलब एकदम शांत हो जाना ठीक है हरे कृष्ण बोलते दूसरा नहीं कुछ बोलते ओके अगर आपका दिव्य वचन समाप्त हो चुका हो तो हम शुरू करें हाँ? आपके दिव्य वचन अगर समाप्त हो जाए तो मैं शुरू करूं शांत हो जाओ शांत हो जाओ तो बच्चों परम शुभकामनाएं श्रीमद् भागवत कथा के इस तीसरे दिवस में आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित आज परम अतिथि श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव के उपलक्ष्य में शुभ तिथि आज बैठ करते हम लोग भगवान के प्रेम को प्राप्त कराने वाली इस दिव्य कथा का श्रवण करते
और साथ ही साथ आज ही के दिन हमारे गुरु महाराज इस संसार में आपके ही गांव से थे, बिहार से थे। पुद्रा जानते हैं, कैमूर जानते हैं, भभुआ जानते हैं, रोहतास जानते हैं, नहीं जानते हैं, सासाराम तो जानते होंगे, सासाराम की लिट्टी। तो हमारे गुरु महाराज सासाराम के बगल से पुद्रा थे। तो आप जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन ये आप सबों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे दिव्य महापुरुष आपके ही धराधाम से, हमारे बिहार से, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व। जब पूरे विश्व में 200 300 से भी अधिक भागवत कथा कहते हैं, पूरे विश्व में, जिनके लाखों शिष्य, और कथा कहते थे हमारे से 2 घंटा नहीं 10-10 घंटा कथा। आप लोग तोड़ के चले जाते हैं महाराज की कथा में से किसी की। तो आज ऐसे दो महामहोत्सव बैठ कर बहुत सुंदर यहाँ की व्यवस्था की गई। आज पूरे विश्व में हमारे गुरु महाराज का व्यास पूजा मनाया गया है ना आज के दिन, और यहाँ भी हम लोगों ने बहुत सुंदर व्यवस्था किया। कुछ देर बाद कथा समाप्ति के बाद बहुत सुंदर महाराज का फोटो यहाँ पे लाया जाएगा, और आपके ही गांव के तो स्पेशल फ्रेम होना चाहिए आपका। आप लोगों के लिए फूल की व्यवस्था की गई है, आप लोग महाराज के चरणों में फूल डाल सकते हैं। तत्पश्चात केक कटिंग, केक कटिंग हरे वो बहुत धूमधाम से महाराज का व्यास पूजा मनाएंगे। आइए हम लोग कथा को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ होमवर्क भी था क्या? होमवर्क था, होमवर्क क्या था? कितने प्रकार के भगवान के अवतार होते बताओ? हाँ, कितने प्रकार के? 6 प्रकार। वेरी नाइस। कौन से प्रकार? पहला बताओ, सुनीता, क्या नाम है? अच्छा शिवानी, बताओ क्या? पहला पुरुषा, देन मनमंत्रा, गुड, देन सत्या, वे सत्या, वेरी नाइस, 3, 4, युगा होता, वेरी गुड, मोर गुड, 5, पुरुषा होता, और एक कौन सा छोड़ लीला होता है। इस प्रकार भगवान के कितने अवतार हो गए? लेकिन माता जी ने आप लोगों से 4 बोल दिया है ना, तो इनके लिए ताली बजना चाहिए। लेकिन भक्त लोग जब प्रसन्न होते हैं ना, ताली के साथ एक चीज और करते हैं, क्या? हरि को बोली जोर से, बोली जोर से, हरि को।
आप लोग भी इसी प्रकार से होमवर्क लीजिए और याद करके सुनेंगे। और हमने कितने अवतार की कथा कल सुनी? एक, कौन से? चतुष्कुमार संकादि को, भगवान ने संकादि के रूप में अवतार ग्रहण किया। आज हम लोग दूसरी अवतार ग्रहण करेंगे, भगवान श्री वेद व्यास अपना कलम चला रहे हैं सूत्र पुरुषों के नाम द्वितीयम तुभावायश रसात यताम महि उदधरिष्ठाय ठाकर उदधरिष्यण अनुपादत यज्ञेश शोकरम। भगवान एक अवतार यज्ञ के लिए, भगवान वराह के लिए सृष्टि के प्रारंभ में जब इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष लेकर के रसातल में छिपा था, तब भगवान ने इस पृथ्वी को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए एक अवतार ग्रहण किया। और उस अवतार का नाम क्या हुआ? बताओ। वराह अवतार। कथा बहुत सुंदर है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो घटना बहुत सुंदर है, लेकिन इस लीला को समझने से पहले ना हमें सृष्टि की उत्पत्ति समझनी पड़ेगी। आप लोग जानते हैं सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? साइंस पढ़ाता है, धमाका हुआ, सृष्टि हो गई। आप लोग पढ़े बिग बैंग थ्योरी? पढ़े? मूर्खों की थ्योरी है, नहीं तो भी इराक और पाकिस्तान ना जाने कितना सारा ब्रह्मांड बना चुका होता है। दिल्ली को धमाका होता ही होता है कि मूर्खों की थ्योरी। धमाका होने से कई ब्रह्मांड बनता है, सृष्टि होती है। धमाका एक बम यहां फोड़ के देखो तो पता चलेगा विध्वंस हुआ है, सृष्टि नहीं होती। आज तक आपने बहुत सारे सुना होगा फलाने जगह पे बम फट गया, फलाने जगह बम विस्फोट हो गया, लेकिन उससे सृष्टि हुई या विनाश हुआ? बताओ। विनाश हुआ। तो ये फिलोसफी जो क्या हुई गलत है कि ये फिलोसफी सही है? कुछ लोग कहते सहसा आ गया। सहसा कैसे आ जाएगा जी? बताओ। ये माइक यहाँ पे सहसा आ गया, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कुछ तब जाकर के लेके आए। कोई चीज इस संसार में सहसा अथवा बिग बैंग होकर के नहीं आई। हम समझते कि ये सृष्टि कैसे होती है। कुछ लोगों को लगता है यार ये भागवत कथा करने के लिए आए हैं, क्या बताएंगे भाई, पुरानी टेंटी टेंटी करेंगे और क्या। देखो ये साइंस है, मेरे पास कुछ हिसाब प्रोजेक्टर नहीं लगाया, नहीं तो प्रोजेक्टर में यहाँ दिखाता। कल से थोड़ा प्रोजेक्टर लगाया करो, एक व्हाइट बोर्ड डाल करके प्रोजेक्टर लगाया, दिखाएंगे लोगों को सृष्टि कैसे हुई है। देखो सुनो, अब सृष्टि कैसे है इसको समझने के लिए ना आपको काल के माध्यम से, समय के माध्यम से इसको समझना है। जोड़ देना आप लोगों को, मैथ अच्छा है? किसका मैथ अच्छा है? किसका मैथ अच्छा है? मैथ से ग्रेजुएशन कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? कोई नहीं, हमारे दो स्टूडेंट है मैथ के ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फेल हो गया आपका मैथमेटिक्स, इतना बड़ा हिसाब है। हमारा कंप्यूटर भी फेल हो गया सी, तो मैथमेटिशियन फेल हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। चलो फिर भी प्रयास करो छोड़ने का, ठीक है? 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 घंटा, 12 घंटा 1 रात, 24 घंटा 1 दिन। इस प्रकार से 30 दिन मिला देंगे तो 12 महीने मिला दे तो
चलो अभी और होमवर्क दे रहा हूँ, नोट करना इसको। तो इस प्रकार से कलयुग की एज कितनी है, मुझे बताया था 4,32,000, 4,32,000, 4,32,000। अभी कुछ 5,000 समथिंग चल रहा है, और ऐसे द्वापर युग की अवधि कितनी, 8,64,000, 8,64,000, और त्रेता युग की 12,96,000, और शतयुग की 17,28,000। ठीक है, तो ये हो गई चारों युगों की अवधि। अब जब ये त्रेता कली द्वापर सत जब एक बार बीत जाता है तो बनता है एक चतुर्युग। क्या बनता है? चतुर्युग, है ना। और इन चारों युगों को मिला देंगे तो होता है 43.2 लाख 43,20,000। कितने साल हो गए? और जब ऐसे 71 चतुर्युग दिखते हैं कितने, तब होता है एक मनमंत्र। ये इसी मनमंत्र में भगवान का एक मनमंत्र अवतार भी होता है, तो वो मनमंत्र में हरेक मनमंत्र में भगवान एक अवतार, है ना। और हरेक मनमंत्र में ये जितने देवी देवता है इंद्र इत्यादि, ये क्या हो जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, चेंज कर दिए जाते हैं, है ना। पर एक मोटा मोटी 1,000 चतुर्युग जब दिखता है ना, तब इस प्रकार की जब 1,000 चतुर्युग बीतता है तब ब्रह्मा जी का कितना घंटा समाप्त होता है, 12 घंटा। कितना? 12 घंटा। समझ रहे हैं? 71 चतुर्युग जब बीतता है तब एक मनमंत्र होती है, और जब 14 मनमंत्र खत्म होती है, मतलब 1,000 चतुर्युग जब खत्म होता है तब बनता है, तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा समाप्त होता है। कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो कुछ 8 अरब, कितना, 8,64,00,000 वर्ष जब बीतता है तब ब्रह्मा जी के 24 घंटे समाप्त होते हैं। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी का 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक साल, और ये ब्रह्मा जी जीते हैं कितने साल तक, 107। और जब ब्रह्मा जी का 107 समाप्त होता है तब भगवान विष्णु करते हैं, भगवान एक सांस लिए तो ब्रह्मा जी का 107 समाप्त। तो हमारी क्या तुलना, थोड़ा सोचो कहां है हम लोग। भगवान चुटकी भी बजाएंगे, मतलब चुटकी कंप्लीट भी नहीं होगा ना, और तब तक हम लोग कितना बार यहां पे आकर के रिटर्न चले जाएंगे। फिर भी संसार के कुछ लोग मूर्ख लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम भगवान है, कहां ईश्वर, कहां संसार है, कुछ नहीं। भगवान के सामने एक मच्छर के समान भी नहीं है हम लोग। आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा, आत्मा अणु है, परमात्मा विभू है, आत्मा परतंत्र है, परमात्मा स्वतंत्र है, आत्मा और परमात्मा में अनेक अंतर है, एक अंतर है। अब कोई थर्ड क्लास का मूर्ख होती है, अगर आत्मा और परमात्मा को एक बताता है तो वह मूर्ख ही हुआ कि नहीं। अब देखिए ये बात सच है कि परमात्मा का ही अंश है आत्मा, अब जो है सो किनके अंश है, ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, जीव जो है सो मेरा ही अंश है। भगवान कह रहे हैं ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, जीव मेरा ही अंश है, लेकिन हम उनके अंश हैं, हम भगवान नहीं हो सकते, हम भगवान नहीं हो सकते, हम भगवान के अंश हैं, हमें कुछ छोटा सा जीव भगवान। इसीलिए
अगर कोई कहे कि भाई हम भगवान हैं, भगवान भगवान को केवल कभी हम आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। इसको समझिए, जैसे समुद्र में अथाह मात्रा में जल होता है कि नहीं होता है? होता है। अब उस समुद्र से आप एक लोटा जल निकाल लीजिए, तो अब आपके लोटे में जो जल है वह किसका अंश है? समुद्र के जल का अंश है। तो समुद्र के जो पूरे जल में गुण है वही गुण आपके एक लोटे जल में भी है ना, वही खारापन है। लेकिन अंतर है। अंतर क्या है? क्या अंतर? क्वांटिटी। समझ रहे हैं? मात्रा। समुद्र में आप बड़े बड़े जहाज तैरा सकते हैं, लोटे में तैरा पाएंगे? आएगा ही नहीं। एक ग्लास भी नहीं तैर पाएगा, मछली भी नहीं तैर पाएगा। समुद्र में बड़े बड़े वेल मछली जाते हैं। गुण में समान है लेकिन मात्रा में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कभी आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती। आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती, लेकिन अगर वह कृष्ण की भक्ति करे, कृष्ण का पूजा करे, कृष्ण का भजन करे, कृष्ण का कीर्तन करे, तो वह महात्मा जरूर बन सकता है। इसीलिए जीवन में प्रयास करते हम परमात्मा बनने का प्रयास नहीं करें, क्या बनने का प्रयास करें? कृष्ण का महात्मा, कृष्ण की सेवा करने का प्रयास। इस चीज का बहुत अच्छे से देखिए, हम सनातन भगवान के दास हैं। हमारा दास होना हमारा सौभाग्य है। कुछ लोग कहते हैं अरे प्रभु जी हम दास नहीं बनेंगे, किसी का दास नहीं बनेंगे, और ऐसे लोग अपनी बीवी के डर से क्या क्या करते हैं मत पूछो। बीवी के दास बने पड़े हैं लेकिन भगवान के दास नहीं। भगवान कहते हैं ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन। इस संसार में कोई है जो मालिक है? आप में से कोई बताओ जो मालिक है? कोई नहीं। किसी को बॉस का टेंशन, किसी को घर परिवार का टेंशन, किसी को बच्चे का टेंशन, सब सब का कोई ना कोई कंट्रोलर है, लेकिन भगवान का कोई कंट्रोलर है? लेकिन ये दासत्व हम कब तक स्वीकार करेंगे? जब तक कि हम कृष्ण का दास नहीं बन जाए। माया का दास हम तब तक बने हुए जब तक कृष्ण का दास ना बन जाए। जिस दिन कृष्ण का दास बन गए उस दिन माया का दास बनना समाप्त। आप लोग बैठ जाइए, बाहर जो लोग हैं खड़े वहां बाहर एक दरी बिछा दीजिए रोड पर, बिठाइए। बारिश नहीं हो रही है, बैठने के लिए जीव का कर्तव्य है कि वह भगवान का दास बने और भगवान की सेवा करे। और जब तक वह भगवान की सेवा नहीं करेगा ना भक्तों को सुखी नहीं हो सकता। अब पूछते ना कि प्रभु जी हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है? यही कि हम कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते। आप में से बताइए, ये आपके गांव का कथा है, कितने लोग आकर के इस पंडाल में झाड़ू पा रहे? एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दीजिए। देखो एक बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है। आप लोग बुजुर्ग हुए, अभी तक बुद्धि नहीं आई भगवान के कार्य में झाड़ू मार दीजिए? कितना गंदा पड़ा हुआ है हमारे लोग आकर, कितना गंदा पड़ा हुआ है। और कहते हैं हमारे जीवन में दुख नहीं, क्यों नहीं दुख आएगा? हम अगर कृष्ण का घर साफ नहीं कर सकते तो हमारा घर तो गंदा से भरा हुआ रहेगा ना जी, रहेगा कि नहीं रहेगा? हम लोग नगर से कीर्तन निकालते हैं, कितने लोग आपके गांव से मात्र 10, 15, 20, 40 जन? आपका गांव है, आप नहीं आ सकते? हम कृष्ण की सेवा करना चाहते नहीं हैं और माया की सेवा करना चाहते हैं, जिस वजह से हमारे जीवन में क्या है? दुख है। ध्यान रखिए, जिस दिन से हम कृष्ण की सेवा करना शुरू कर देंगे ना, गारंटेड है कि जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। लिख के लिए
सेवन करो जीवन मुक्त। इस प्रकार भगवान की सेवा करना ही हमारा क्या है, गुण लक्षण। जैसे जैसे ये हमारा हाथ क्या है, आप सबके पास भी हाथ है कि नहीं है? आप इस हाथ का क्या यूज करते हैं बताओ? अपने शरीर की सेवा करते, नहलाने में, इसको तैयार करने में, इसको कुछ क्या करते हैं, खाने में, इन सारी चीजों में इसका यूज करते हैं। मतलब इससे सेवा लेते हैं इसके शरीर की, क्योंकि ये हमारा अंश है। उसी प्रकार ममेव अंश जीव लोके, मेरा ही अंश है जीव। तो जीव का कर्तव्य क्या है कि वह कृष्ण की सेवा। अब अगर मेरा ये हाथ सेवा नहीं करेगा तो दुखी कौन होगा? ये हाथ मेरे आदेश को पालन नहीं करेगा, भाई देख वहां पे करंट है, छूना मत, छूना मत। नहीं, मैं छूंगा छूंगा। अगर हाथ जाकर के जबरदस्ती करंट में भराएगा, कष्ट तो समझ ममे मांस जीव लोक जीव सनातन, जीव सनातन मेरा वास है, सनातन। तो इस प्रकार जब भगवान के 100 साल, ब्रह्मा जी के 100 साल गिनते हैं, तब हमारे भगवान एक बार केवल सांस। और जब भगवान ऐसे भगवान विष्णु, कानोदक्षाय विष्णु, जब सांस छोड़ते हैं ना, तो उनकी रोम रूप से, रोमों से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड। और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विष्णु होते हैं। हमने बोला था ना, भगवान का पुरुषावतार होता है, ये पुरुषावतार है, कर्मोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। तो हरेक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाय विष्णु, क्योंकि उन ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षागर में विश्राम करते हैं, इसलिए उनका नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु। और गर्भोदक भगवान विष्णु के नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है, और उस कमल के टंडी में 14 लोग, कितने 14 लोग फिट की होते। सबसे ऊपर का जो लोग है उसका नाम क्या है, ब्रह्मलोक। सबसे नीचे का लोग पता, बीच का पृथ्वी। अब यहां आपके पास ऑप्शन है कि आप नीचे जाना चाहते हैं या ऊपर। जीवन में गलत कार्य करोगे, 4 कार्य कौन से गलत करने मना किए थे बताओ? नशा, जुआ, मांस मछली और पर स्त्री पर पुरुष। अब सिगरेट, गांजा, ये सब भी नशा ही है। ये सब करने वाले किधर जाएंगे? नीचे। और भगवान के नाम लेने वाले, ये मनुष्य जीवन चौराहे की तरह, ध्यान रखिए। यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर, आप किधर जा रहे हैं, आप डिसाइड करो। तो जब भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, तो उस कमल पुष्प पे इस संसार के प्रथम जीव प्रकट हुए, जिनका नाम है हिरण्यगर्भ। क्या नाम है? हिरण्यगर्भ। ब्रह्मा जी का नाम पहले ब्रह्मा नहीं है, क्या है? हिरण्यगर्भ। और इस संसार के प्रथम जीव कौन है? इस संसार के प्रथम जीव कौन है? हिरण्यगर्भ। क्योंकि हिरण्य में कल्प कमल से इनकी प्रकटीकरण हुआ, इसलिए इनका नाम था हिरण्यगर्भ। और जब ये तपस्या किए, तब भगवान प्रकट हुए, और इनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने इन्हें वेदों का ज्ञान दिया। ये भगवान को जान गए, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? हाँ, तो क्योंकि भगवान के सांस को, भगवान के सांस से क्या प्रकट होते हैं? वे। तो भगवान के सांस से वेद प्रकट होते हैं। तो ऐसे वेदों को ब्रह्मा ने धारण किया, हिरण्यगर्भ, इसलिए इनका नाम हो गया
तो ऐसे सृष्टि के प्रथम जी प्रकट हुए और भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि पुत्र अब तुम क्या करो, संसार का सृष्टि। ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश से सृष्टि कर दिया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रजा की उत्पत्ति करना शुरू किया। ऐसे शास्त्र में लिखा है सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने चार मुनियों को प्रकट किया, जो जिनकी कथा हम लोग कब सुने, कल, चतुष्कुमार, ठीक है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि करो, परंतु भगवान कृष्ण में अनुरक्त होने के कारण, भक्ति होने के कारण इन्होंने कहा कि हम विवाह सृष्टि नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम कृष्ण की भक्ति करेंगे। तो उस समय ब्रह्मा जी को क्रोध आता, लेकिन वो अपने क्रोध को क्या किया, छिपाने का प्रयास। और जैसे छिपाने का प्रयास किया ना, तो उनकी भौंहें भृकुटी बनी रही, सिकुड़ गई। होता है ना कभी कभी बहुत क्रोध आता हम लोग करते, उनकी आंखें सिकुड़ गई, भृकुटी सिकुड़ गई, और उससे बहुत भयंकर नील रोहित रंग का बालक रुद्र भयंकर गर्जन करता। तब ब्रह्मा जी ने अपने मृदुवाणी से हे देवताओं, मैं प्रधान महादेव, देवों के देव महादेव रुद्र, हे शिव, हे भोलेनाथ, हे काल, भगवान की आज्ञा है कि आप प्रजा की सृष्टि करें। अब शिव जी लगे सृष्टि करने। अब शिव जी सब ठहरे तमोगुण के देवता, तो उनकी सृष्टि भी होने लगी तमोगुण की। जैसे बहुत सारे खतरनाक खतरनाक जीव जंतु बना दिए हैं, ये सांप बिच्छू इत्यादि ना जाने क्या क्या बना दिए, और ये सब अब दसों दिशाओं में फैल गए और सारी वस्तुओं को विध्वंस करने लगे। धीरे 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 इनका हाथ जो है ब्रह्मा जी के गले तक पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने बोले ना, महाराज बंद कर दो सृष्टि करना, ऐसी सृष्टि करोगे तो सृष्टि में रहेगा क्या, बंद करो, अब तपस्या में जाओ, भगवान की भक्ति करो, हरिनाम संकीर्तन करो, समय आने पर प्रलय करते रहे। इसलिए प्रलय का डिपार्टमेंट दे दिया बोले। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 पुत्रों को जन्म दिया, मस्तक से नारद, श्वास से वशिष्ठ, कान से पुलश, मुख से मंजीरा, आंख से अत्रि, मन से मरीचि, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से विभु और अंगूठे से क्या, दक्ष। कौन इस प्रकार ब्रह्मा जी ने बिना किसी का सहारा लिए वे अपने ही शरीर से 10 पुत्रों को। देखिए अब भी ब्रह्मा जी सोचने लगे, होते हुए भी मेरे सर्वत्र होते हुए भी सृष्टि अभी भी अधूरी, प्रजा जो है फैल रही है, इतनी सर्वत्रता होती है। तब जब ब्रह्मा जी इस प्रकार सोचने लगे कि मेरे सर्वत्र फैले हुए होते हुए भी जनसंख्या अभी भी अपराध है, तो इस प्रकार से विचार मन में, तो उस समय उनके शरीर से 2 और जीव प्रकट हो गए। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। ब्रह्मा जी के सबसे 2 अन्य रूप उत्पन्न हुए। भक्तों, इस संसार में मनुष्य की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने 2 अन्य रूप अपने दाएं अंग से स्वयंभू मनु, किनको स्वयंभू, बोलिए बाबा बोलिए, किनको
स्वयंभू मनु बोलिए बोलिए शर्मा बोलाओ बोलवाओ बोलिए बोलवाई आजूबाजू बोलवाई किसको उत्पन्न किए। देखिए मैंने पहले ही दिन बताया था मेरी कथा ऐसे नहीं होती है कि हम लोग मैं बोलता रहूं आप ये नहीं चलेगा। स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड ठीक है एकदम बुलंदी के साथ सुनिए। मैं डेली डेली क्लास लेता हूँ गीता पे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं डेली 30-40 लोग जुड़ते हैं और सब एक्टिव रहते है ना तो आप थोड़ा एक्टिव रहना। मैं पूछूंगा ब्रह्मा जी से दो रूप उत्पन्न हुए कौन थी एक स्वयंभू अरे बोलो मनु कौन आपके पिताजी हैं बोलो तो सही पिता का नाम इतना धीरे कोई बोलता है बोलो कौन स्वयंभू दाएं अंग से शंभु मनु को प्रकट किया और बाएं अंग से शत्रु को। ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से एक कन्या और एक पुत्र जिसका नाम था मनु और शत्रु स्वयंभु ब्रह्मा से इनका जन्म हुआ इसलिए इनका नाम हुआ स्वयंभु मनु और शत्रु। बच्चे को थोड़ा ध्यान रखिए बच्चे को ध्यान रखिए आवाज नहीं कर रही है। तब मनु और शत्रुपा ने प्रश्न किया कि पिताजी हमारे लिए कुछ आदेश को याद तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि आप पृथ्वी लोक पर जाओ और पृथ्वी लोक पर जाकर मनुष्य की मैथुन की सृष्टि प्रारंभ करें। अरे क्या हो रहा है वहां पर माइक दे दो तो बोला जिन लोगों को चलो प्रश्न करते हैं बताओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ मुर्गा बना दो आप लोगों को मास्टर बना देना दे। लील डाउन करा देंगे ये तो आवाज नहीं कर रहे ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से दो संतान मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु शत्रुपा पूछे कि पिताजी हमारे लिए कुछ आदेश का कि आप जाओ पृथ्वी पर और पृथ्वी पर मनुष्य की मैथुन की सृष्टि करो। मनु और शत्रुपा अपने पिता के आदेश से इस पृथ्वी पर आए लेकिन तो पृथ्वी पर आए तो देखा कि अन्य सारे लोग अपने अपने स्थान पर हैं लेकिन देवी पृथ्वी अपने स्थान पर। मनु शत्रुपा वापस ब्रह्मलोक में गए कहे पिताजी हम पृथ्वी पर तो गए लेकिन वहां पर पृथ्वी अपने स्थान पर है। तो बात यह थी कि दीति के दो पुत्र हुए कौन कौन हिरण्याक्ष और हिरण्यगर्भ कौन कौन हिरण्यगर्भ बताओ तो इस प्रकार से हिरण्याक्ष हिरण्यगर्भ नामक दो राक्षस दो सूर्य उन लोगों को अलग अलग कर दो नहीं तो चिड़िया बन के चहकेंगे इनके परी काट दो अलग अलग कर दो नहीं मानेंगे आवाज नहीं करो हरि बोल। तो अब ये दो अशुद्ध हुए दीति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यगर्भ को हिरण्याक्ष ने सोचा कि आगे चलकर के देवताओं से युद्ध करना है और देवताओं की शक्ति बढ़ती है यज्ञ करने से। यज्ञ से देवताओं को क्या मिलता है भोजन। आज यज्ञ नहीं हो रहा है आप देखिए वरुण देवता इंद्र देव कमजोर पड़ गए बारिश नहीं कराते हैं कराते हैं। आप यज्ञ करो अच्छे से देखो बारिश एकदम सही से होगी। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो अच्छे से देखो एकदम बारिश सही से होगी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हमें इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं है हम तो हो गए डेवलप बादल बारिश कराता है तो ये ऐसा संभव नहीं है। इंद्रदेव की बारिश करो वो भी भगवान के आदेश से।
तो उन्होंने कहा कि भाई यज्ञ करने वाले मनुष्य इस पृथ्वी पर बहुत सारे यज्ञ करते हैं, तो मनुष्य लोग इस पृथ्वी पर आए और यज्ञ करें, इससे पहले मैं इस पृथ्वी को क्या करूंगा, छुपा ना रहेगी बांस ना बजेगी बांस, तो इस पृथ्वी को ही छुपा देते, पृथ्वी ना रहेगी, ना मनुष्य का उत्पादन होगा और ना यज्ञ होगा और ना देवताओं की शक्ति पड़ेगी, और हम लोग देवताओं को क्या करेंगे, बड़े आसानी से उठा उठा के पटक देंगे, है ना। इसलिए हिरण्याक्ष ने देवी पृथ्वी को रसातल में छुपा, असुर था, कार्य तो देवता जैसा करेगा नहीं ना, इस संसार में भी कुछ असुर लोग होते हैं, अब उनको देवताओं के कार्य बताओ लेकिन वो करेंगे असुरों के ही कार्य, तो नहीं सुधरेंगे, तो इसलिए उन्होंने देवी पृथ्वी को रसातल में लेकर छिपा दिया। और दूसरी ओर मनु और शत्रु का ब्रह्मा जी के पास आए, कह रहे लेकिन पिताजी हम लोग गए, सभी लोग अपने अपने स्थान पर तो है, लेकिन पृथ्वी अपने स्थान पर, पृथ्वी अपने स्थान पर, बताओ। उस समय ब्रह्मा जी को चिंता है, बहुत चिंता, तो ध्यान रखिए इस संसार में जो भक्ति करते हैं उन्हें भी चिंता होती है, और जो भक्ति नहीं भी करते हैं उनको भी चिंता होती है, और जो भक्ति करते हैं जब उनके जीवन में दुख होता है, जब उनके जीवन में चिंता होती है, तो वो क्या करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, और जो अभक्त है, जो भगवान का नाम नहीं लेता, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, उसके जीवन में जब दुख होता है ना, तब वह क्या करते हैं, दुखी होते हैं। चिंता दोनों के जीवन में, और ध्यान रखिए ये चिंता शास्त्र में कहा गया चिंता और चिता दोनों में बहुत अंतर नहीं, बहुत अंतर नहीं, केवल अनुष्कार मात्र का अंतर है, और दोनों का काम भी देखो एक ही, दोनों का काम एक ही, दोनों क्या कर करती है, जलाने का कार्य, यहां तक कि चिता से ज्यादा खतरनाक है चिंता, चिंता चिता अपि गर्यशी, चिता जो है मरने के बाद सबको जलाते हैं, लेकिन चिंता जो है जीते जी व्यक्ति को तिल तिल करके जलाती है, इसीलिए जीवन के जब चिंता हो ना तब क्या करना चाहिए, बोलो दोनों हाथ उठा करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जब भी जीवन में चिंता, जीवन में अगर चिंता से मुक्ति चाहते ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है भक्तों, बस भगवान का चिंता, ब्रह्मांड को चिंता हो कि पृथ्वी को लेकर के कौन चाहते, अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ब्रह्मा जी भगवान का चिंतन करते, भगवान से प्रार्थना किया, और भगवान का प्रार्थना किया, भगवान को प्रार्थना की चिंतन किया, तो भगवान का एक दिव्य अवतार प्रकट हुआ, आइए हम भी ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के भगवान का चिंतन करें, और आज आपके इस दिव्य गांव में भगवान का यह दिव्य अवतार प्रकट करा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे भाव से प्रेम से हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सब लोग प्रेम से क्या आप लोग गा रहे बताइए आप लोग गा रहे नहीं गा रहे भूख चल नहीं रहा मैं देख रहा हूँ पहले ही बोला भगवान ने आंखें छोटी भी है लेकिन नजरें बहुत तेज दी है इसलिए सब लोग कि आप लोग चाहते हैं कि आपके गांव में भगवान का अवतार चाहते हैं आप लोग कितने लोग चाहते हैं हाथ खड़ा कर चाहते हैं जोरदार जोरदार कीर्तन बिना कीर्तन के भगवान को समझ हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे भगवान का संसार इस संसार में जब तक भगवान तब तक भगवान भगवान अवतार धारण करके जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन किया जैसे ही भगवान का नाम लिया तुरंत ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक आने से ब्रह्मा जी के नाक से एक अंकुश जैसा छिद्र प्रकट हुआ तो छिद्र धीरे धीरे बड़ा होता गया धीरे 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 उस छिद्र ने विशाल रूप धीरे धीरे हाथी के समान विशाल हुआ धीरे धीरे देखते देखते पर्वत के समान विशाल ब्रह्मा समेत सभी देवी देवता समझ गए साक्षात भगवान वराह अवतार धारण धीरे धीरे भगवान वराह आकाश को छूने लगे और समस्त देवी देवता भगवान की स्तुति करते हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे देखिए आज भागवत के माध्यम हमारे इस ग्राम में भगवान बराबर इसलिए दोनों हाथ से ताली बजाते थे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे ब्रह्मा जी के नाश तक भगवान बड़ा प्रकट हो अनेकों दिव्य मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा समेत सभी देवी देवता भगवान की दिव्य स्तुति करते भगवान बाला की गर्जना से तीनों लोग कांपने लगे उसी समय भगवान जैसे ही अपने पूंछ पकड़ करके आकाश में उछले भगवान वराह के गर्दन के पालों से आकाश के बादल तिरबिटी हो गए भगवान वराह का शरीर कठोर चमड़ी के बाल कड़क सफेद दांत आंखों से करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ
में वज्र में पर्वत के समान भगवान बड़ा का जबकि शरू और उस समय भगवान वराह अपनी पत्नी को छत्ता देवी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जैसे ही समुद्र में कूदे समुद्र दो भागों में बन गया, समुद्र आकाश को छू गया और उस समय भगवान वराह रसा करके चले गए। रसा तल में जाकर के सर्वप्रथम भगवान वराह अपनी पत्नी को नाक से सूंघ सूंघ कर सूंघ सूंघ कर पता जैसे ही पता लगा भगवान ने अपने दांतों के बीच में पृथ्वी को स्थापित किया और पुनः पृथ्वी के स्थान हिरण्याक्ष को पता चलते ही हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर के भगवान वराह के साथ आज भगवान और हिरण्याक्ष के बीच में भयंकर युद्ध चला। हिरण्याक्ष भगवान के ऊपर बार बार प्रहार कर रहे हैं। कर सर पर आधार मर कर अनुसर कर पर दर पर पैर करे हरे हरि सर सुवर अपर कटवर मन हर पैर बनर जी कटवर मन हर हर मन हर मट रट निकट मुकुट सिर सवरण में गण रण पट पड़ पड़ गण कुंगर पर सोने श्याम रंग भर सोने श्याम दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े कमासान इतिहास की प्रथम घटना हिरण्याक्ष से प्रहार करके ही भगवान वराह का गदा छूट गया परंतु पुनः भगवान हिरण्याक्ष से फिर से दोनों के बीच में कमासान युद्ध दोनों एक दूसरे के साथ आपस में आज भगवान वराह अपने विभिन्न प्रस्तुत कर और उस समय हिरण्याक्ष ने सोच लिया कि अब इसे आजमाना चाहूंगा। उसमें भगवान ने सोच लिया कि अब इस हिरण्याक्ष का वध करूंगा। आज भगवान अपनी अद्भुत दिव्य लीला प्रस्तुत कर जैसे ही भगवान ने सोचा कि हिरण्याक्ष का वध कर दो आज भगवान ऋषि मुनियों की यज्ञ की रक्षा पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान वराह के पर टूट गए। तब दबा दमक दातुर दर दमक कहकत मो मला तेरा तब पीहू पीहू पुकार चातक पीहू पीहू को मिलता मेरा पीहू पीहू को जैसे ही भगवान ने हिरण्याक्ष मारने का निश्चय किया उसी समय अप्सराओं का नृत्य बंद हो गया। साधुओं के मन में आनंद होने लगा यशों के मन में क्षोभ दीदी के हृदय से खून छूने लगा और उसी समय भगवान वराह ने अपने दिव्य हाथों का एक हाथ उस हिरण्याक्ष के ऊपर किया और हिरण्याक्ष के मुख से खून की वृद्धि हो गई और हिरण्याक्ष का वध हुआ। सभी देवी देवता प्रकट हुए और पुष्प सृष्टि करने लगे और भगवान वराह का अधिकार करने लगे। बोली लगे बलि वराह देव भगवान की जय। बलि भगवान वराह
वसति न शरण शिखरे धरती तवला शशि निकल सकल Krishna, 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 Hare Hare.
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार माइक दे दो, वहां भी प्रवचन हो रहा है। जय श्री राधे। माइक दिलाओ राधे, बैठ जाओ, आवाज नहीं करो। प्रवचन करने के लिए मैं आया हूँ, मुझे करने दो, आप मत करो। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, मैं एक बार गांव में गया प्रवचन करने के लिए, मैं मंच पे खड़ा हो के बार बार बोल रहा हूँ, भाई हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी जप कर सकता है। बहुत लोगों ने माला लिया, मंच छोड़ करके पीछे गया, कपड़े चेंज करके पीछे गया, तो एक महात्मा एक बच्चे को सिखा रहा माला ले लिए, पहले इसके लायक बन जा। अरे मूर्ख कहीं का, जब जो वक्ता है वो बोल रहा है कि कोई लायक इसका बनने की आवश्यकता नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं सकता, तो तू कौन होता है बोलने वाला, कौन होता है तू बोलने वाला। प्रवचन करने के लिए हम आए, हमारी बात और विश्वास रखिए, विश्वास रखिए कि आपका पतन तो कभी नहीं होगा, इसका गारंटी देता हूं कि आपका पतन कभी नहीं होगा। बस जो बोल रहा हूं उसको सुनिए। हो सकता है आपके मन में प्रश्न हो, प्रभु जी भगवान का नाम लेने से कोई कैसे भगवत धाम चला जाएगा। मानता हूं तार्किक बुद्धि तो हमारी भी थी, जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमारे शिक्षा गुरु ऐसे ही प्रवचन करते थे, तो वही थे प्रभु जी हमारे, खूब प्रश्न उत्तर करते, अरे ऐसा कैसे होगा। लेकिन ध्यान रखो आप हमसे ज्यादा तार्किक नहीं होंगे, अगर मैंने मान लिया है तो आप भी मान लो, ठीक है। हम उसे कोई पैसे नहीं दे रहे इस कॉल वाले आपको कथा करने के लिए अथवा हरे कृष्ण महामंत्र के लिए, ठीक है। तो तर्क नहीं, मतलब ठीक है, अब प्रश्न हो तो आप प्रश्न तो पूछ ही सकते हैं, प्रश्न के लिए हमेशा खुला हुआ है, मंच खुला है और हमारा कमरा भी खुला है, जब आपकी इच्छा हो प्रश्न करो। कोई तो इस प्रकार भगवान का यह दूसरा तीसरा दिन खत्म, कितने अवतार बच गए, 22 अवतार बच गए। अब बताओ चार दिन बचे हैं, चार दिन में कैसे खत्म, आप लोग आते भी नहीं है समझ, 5 घंटे की कथा करेंगे तब खत्म होगा। मैं तो 5 घंटे बोल सकता हूँ, आप देखो बैठ सकते हो, 5 घंटे बैठ सकते हैं तो कल से 5 घंटे बैठा होगा तभी हो। मैं बोल सकता हूँ, मैं तो 3-3 सत्र में प्रभु जी ने हम लोग कथा किए थे, 3 सत्र में कथा किया था, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, 2 घंटे 3 घंटे की कथा, तीनों टाइम 3 किया 9 घंटा। मैं तो बोल सकता हूँ 5 घंटे, आप देखो आप बैठ सकते हो, बस खाली इनका सपोर्ट होना चाहिए। आज तो ठीक है, बस थोड़ा बहुत ठीक है, पूर्ण नहीं, मैं फिर मान रहा हूँ क्योंकि आज उन्होंने बहुत ही कम समय में इतना सुंदर कर दिया, तो इनकी बहादुरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, इसको और अच्छे से करना है। तो इस प्रकार से हम लोग कितने अवतार सुन लिए, एक अवतार और सुन लेते हैं, ठीक है। तीसरा अवतार कौन सा हुआ, नारद मुनि के रूप में, किनके रूप में, श्री वेद व्यास मुनि भागवतम तृतीय अवतार होता है, लिखते हैं अर्जुन गोस्वामी। ऐलान करते तृतीयम ऋषि सर्गम वे देवर्षि तमुपेत्यशः तंत्रम सात्वं चष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। आप लोग मेरे साथ श्लोक बोलेंगे क्या, कल से वहां लगाऊंगा, आप लोग बोलना, ठीक है। ये भगवान के संस्कृत वचन है, दिव्य वचन है, ठीक है। जब प्रोजेक्टर लग जाएगा ना तो आप लोग बोल सकते हैं,
प्रोजेक्टर लगाएंगे, लोग बोलेंगे, ठीक है। तो तृतीयम ऋषि शब्द, दूर से यहाँ थोड़ा सा तो तृतीय ऋषि भगवान के तीसरे अवतार के रूप में देव ऋषि नारद प्रकट। नारद जी के प्राय, नारद जी के विषय प्राय आप सभी लोग जानते हैं। सर्वप्रथम जैसे नारद जी का नाम आता है मन में गलत धारणा आती है, क्या नारद है, नारद मन चिंताल भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा कहना ही बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। नारद जी भगवान के अवतार, यहां तक नारद जी को भगवान का मनु अवतार कहा गया है। भगवान के मन में क्या बात चल रही है नारद जी पहले ही जानते थे, ये है नारद जी। भगवान कहीं से पहले ही कह देते हैं नारद ना, नारद का अगर आप उसको डिवाइड संधि विच्छेद कर दे तो दो शब्द आते हैं, क्या क्या, ना जोड़ र, ना र, नारद शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं जिसकी बात को, जिसकी बात को भगवान भी नहीं काटे वह है, वह है। नारद जी ने कह दिया मतलब कह दिया। नलकुबर मणिग्रह बहुत बड़ा पापी, मुझे सुनने में आया प्रभु जी कुछ लोग कथा पंडाल में कुछ गलत गलत कार्य कर रहे हैं, सीक्रेट कुछ बड़े बड़े चीज पी रहे हैं। चलिए आप यहां से उनके विषय में एक बात बता रहे हैं, पर तो शास्त्रों में आया, कहां आया है शास्त्रों, अन्य क्षेत्र कृतम पाप, आप अन्य क्षेत्र में कोई पाप कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र पिनश्यति, जैसे ही आप तीर्थ क्षेत्र किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, वृंदावन मथुरा इत्यादि जाते हैं, अयोध्या इत्यादि जाते हैं, तो हमारे पाप क्या होते हैं, खत्म, खत्म हो। लेकिन तीर्थ क्षेत्र कृत पाप, तीर्थ क्षेत्र में भगवान के पंडाल में, भगवान के कथा पंडाल में, भगवान के धाम में किया गया पाप वज्र लेपित भविष्यति, वज्र के समान हो जाता कोई का, इसलिए बच के रहो। अगर मुख में तंबाकू पुड़िया इत्यादि हो ठोके ठोके, नहीं तो क्या होगा, तो खैर बात आ गई नलकुबर और मणिग्रह। नलकुबर और मणिग्रह इतने बड़े पापी थे ना कि वह ऐसे धार्मिक स्थान में पाप करते थे, लेकिन नारद जी ने कह दिया कि तुम्हारा उद्धार भगवान श्री कृष्ण स्वयं करेंगे, और भगवान ने उनका उद्धार किया, भगवान को करना पड़ा उद्धार ना चाहते हुए भी, और कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन क्योंकि अहम मम भक्त करा दे, मेरे भक्त की पराधी अधीन हूं, नारद जी ने कहा इसलिए तुम्हारा उद्धार कर, जिसके बात को कोई रद्द नहीं कर सकते वह है। और यहां तक नारद जी के बाद देवी देवता तो मानते ही है, असुर लोग भी मानते हैं इनका, नारद जी एक ऐसे पात्र हैं ना जिनका स्वागत असुर गण भी करते हैं और देवता भी करते हैं, कोई ये है भक्त का स्वभाव। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सम महात्मा स्व दुर्लभ, जो हरे के हृदय में क्या देख रहा है भगवान वासुदेव, तो ऐसे हैं हमारे मन वासुदेवम सर्वमिति सम महात्मा सुदुर्लभ, और महात्मा
और नारा नार का एक और अर्थ होता है, कहते नार मने नारायण, क्या नार मतलब नारायण और द मने देना, तो जो जगत के लोगों को नारायण देते फिरते ना उसे क्या कहते हैं, नारद। तो ऐसे नारद जी के विषय में लिखते हैं, तत्र मुसाफतम आचष्टम नैष्कर्म्य कर्मणः यतः। नारद जी का अवतार हुआ, नारद पंचरत्न संहिता का संकलन करने के लिए, और इतना ही नहीं, नारद जी के योग योग के भक्ति किसी भी प्रकार के जितने भी क्या कहते हैं उसको परंपरा है, सभी परंपरा के वरिष्ठ आचार्य भक्ति योग के प्रधान आचार्य। नारद जी के विषय में पुराना वर्णन है, ब्रह्म विवर्त पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि सबसे पहले नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ, और जैसे ही ब्रह्मा जी का गोद से इनका जन्म हुआ, नारद मुनि ब्रह्मा जी के अपने पितृ से कहा कि बेटा सृष्टि करो, विवाह करो, प्रजा के पति हो। तुरंत नारद जी ने कहा, पिताजी यमृत छाड़ी 20 समय कई बार कृष्ण भक्ति अमृत को छोड़ करके आप कहां जाल जंगल जंजाल में मुझे फंसा रहे, जंगल ठीक ही निकल रहा था, जंगल में जाल जंगल में मुझे फंसा रहे हैं। कृष्ण भक्ति जो अमृत के समान है, भक्ति रस को छोड़ करके आप मुझे गिरस्त, आप लोग बैठ जाइए, थक जाएंगे, बैठ जाइए, बैठ के कथा सुनिए, बहुत आनंद आएगा, खड़े खड़े सुनेंगे तो पांव दर्द करेगा, उन लोगों के लिए व्यवस्था किया हुआ है, तो आप बैठ जाइए, क्यों खड़े बैठ, सब लोग बैठ के सुनिए, प्रेम से भगवान की दिव्य कथा है, समझ में नहीं भी आ रहे ना फिर भी सुनिए, फिर भी सुनिए। तो बोले इस विष को छोड़ करके, सॉरी अमृत को छोड़ करके विष को पीना, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर नारद जी को श्राप दे दिया, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तब नारद जी का दूसरा जन्म हुआ, एक गंधर्व, नारद जी दूसरे रूप में गंधर्व उपरण नामक गंधर्व बने, और वो ये उपरण नाम के देवता ये गंधर्व विवाह चित्रक के नाम के गंधर्व की 50 कन्या के साथ, और इतना ही नहीं ये एक दिन उपद्रह क्या कहते हैं उपहरण उपबरहन जी ब्रह्मा जी के धाम में पुष्कर क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, और उसी समय अपनी पत्नियों के साथ विचरण कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी आए, बोले रे मेरे क्षेत्र में तुम इस प्रकार से अपनी पत्नियों के साथ घूम रहे हो, पवित्र तीर्थ स्थल में कुछ अपराध कर रहे हो, अब कुछ अपराध कर ही रहे होंगे, पार्क में अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं तो कुछ अपराध कर रहे थे, तुरंत श्राप दे दिया, शूद्र हो गया। तब नारद जी का जो जन्म हुआ एक शूद्र, पिता का नाम भ्रमिलगोप और माता का नाम कलावती, क्या नाम था कला, जन्म लेते पिता की मृत्यु हो गई, और माता क्या करती थी मालूम, बहुत सुंदर कथा है सुनो ध्यान से सुनो, माता क्या करती थी, दूसरों के यहां बर्तन धोती थी, गाय धोती थी, और उसी से इसे नारद जी का और इनका पालन करती, और इनका बचपन का नाम क्या था, रामदास, क्या नाम था राम, माता का नाम कलावती और बच्चे का नाम राम, तो ये रामदास की माता इस प्रकार से कार्य करती थी, अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। एक बार चतुर्मास का समय चल रहा था, कुछ महात्मा गण कुछ साधु संत उनके गांव में आए, जैसे आज आपके गांव में आए साधु लोग आए, थोड़े बच्चे बच्चे साधु लेकिन साधु हैं, लेकिन श्याम मुगल दो हमारे बहुत पुराने साधु थे, तो साधु वैसे उनको से नहीं बना जाता, जात से नहीं बना जाता, शुद्ध गोस्वामी, शुद्ध गोस्वामी बहुत कम उम्र के हैं, सुखदेव गोस्वामी 16 बरस के, कितने बरस के हैं 16 बरस के, और उनसे कौन ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि वशिष्ठ जी यत्री ऋषि चैवन ऋषि सब लोग आए हुए, सोचो
सुध गोस्वामी कहते हैं हे ऋषि मुनियों अहम विलोम जात, मैं कौन हूँ, विलोम जात से हूँ, लेकिन कृष्ण भक्ति का प्रभाव तो देखो कि मैं आज इस व्यासपीठ पर बैठ करके आप सबको भागवत कथा सुना रहा हूँ। इस प्रकार से साधनों में ये उम्र और ये नहीं देखना पड़ता है। तो मैं देवघर में कथा कर रहा था ठंडी की थी, तो एक माता जी आई, बोलते हैं ठंडी में शौर, बोले कि प्रभु जी हमने हमारे दामाद को बोला कि हमारे व्यास जी थोड़ा छोटा है तो थोड़ा छोटा सॉल्व लेकर आएंगे। कुछ दिन पहले की बात है, पूरी कथा में ये बात मुझे याद रह गई। तो ये बहुत साधु समाज आए, जिस प्रकार से आपके गांव में इस प्रकार से साधु लोग आए हैं, और चतुर्मास में उन्होंने वहां पे रुक, सावन से चतुर्मास शुरू होता है, सावन भादो आसिन और कार्तिक, ये चार महीने चतुर्मास होता है। तो ये वहां पे रुक गए, और बहुत सुंदर इनकी माता क्या करती थी, उन साधुओं के लिए, उन साधुओं का जो जूठा बर्तन होता था ना उसे धोती थी, कभी कभी प्रसाद भी बना देती थी। और ये साधु क्या करते थे, जिस प्रकार से यहाँ पे कथा हो रही है ना उसी प्रकार से कथा होता था, और ये नारद जी वहां बैठ करके इस कथा को सुनते थे। और क्या करते थे, जो साधुओं के थाली में बच जाता था ना उसे वह उच्चिष्ट को खा लेते थे। तो वो कहते हैं उच्चिष्ट लेपान अनुमोदिते द्विजो, उनके मुख से कथा सुनकर उनका जूठन प्रसाद खा करके, ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही जल करके क्या हो गए, नष्ट हो गए। एक दिन मेरी मां को सर्प ने काटा, अब क्या हुआ, एक दिन मेरी मां को सर्प ने काट लिया, खेत खरवट हर जगह घूमते हुए नारद जी भटकने लगे। और उसी समय नारद जी को एक दिव्य झांकी दर्शन हुआ, भगवान की दिव्य झांकी दर्शन, क्यों, क्योंकि उन्होंने भगवान का प्रसाद खाया, भगवान का नाम लिया, भगवान की कथा सुनी, साधुओं का संग किया, तो हृदय में कृष्ण की एक झांकी प्रस्तुत हुई, लेकिन तुरंत गायब हो गई, नारद जी बेचैन हो गए और उस झांकी को ढूंढने लगे। उसी समय जब ये बहुत परेशान हुए तो आकाशवाणी हुई कि नारद जी रामदास अभी तुझे मैंने ही दर्शन दिया था, लेकिन अब नहीं हो सकता, अगर तुम उसे परमानेंट चाहते हो, शाश्वत रूप से चाहते हो, तो तुम्हें तपस्या करनी होगी। नारद जी तपस्या करने लगे, तपस्या करने लगे, और कुछ ही दिन पश्चात, कुछ ही दिन के बाद ब्रह्मांड का प्रलय हुआ। और नारद जी कहते हैं कि मैं किस प्रकार से इस शरीर से, इस नारद जी का शरीर प्राप्त कर लिया मुझे भी पता, ट्रांसफॉर्म हो गए। जब मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना तो पुरुष कृष्ण की भक्ति के कारण, कृष्ण का कथा सुनने के कारण मुझे एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, ऐसा शरीर, ऐसा दिव्य शरीर, अब इस शरीर से मैं जहां चाहूं जब चाहूं जा सकता हूं। और देवदत्तम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वम हरि कथाम गायमान चरामि, और भगवान की कृपा से मुझे देवदत्त नामक, कौन सा देवदत्त नामक वीणा प्राप्त है। और क्या बताऊं, जैसे ही मैं इस वीणा की तार को छेड़ता हूं और जैसे ही मुख से नारायण नाम लेता हूं, भगवान श्री कृष्ण का नाम जैसे ही मैं मुख से लेता हूं, उसी से भगवान विष्णु मेरे सामने आकर के कैसे हुआ, साधुओं का संग करने से। अब तो साधु लोग यहाँ घूम घूम के हरे कृष्ण बुलवा रहे हैं, बुला रहे हैं कथा में आओ कथा में आओ, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे, तो हाय दुर्भाग्य, अब हम क्या करेंगे बताइए, हमारा दोष मत देना, हम तो अपना पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप घर से निकलो और कथा में आकर के बैठो, हरिनाम संकीर्तन में भाग लो, आप ही आते भी हैं तो घर जाने की जरूरत है।
ये है नारद। केवल प्रसाद खाने मात्र से, केवल प्रसाद खाने मात्र से कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन सकता है और परमात्मा धाम वापिस जा सकता है। आज आप लोगों की प्रसाद की व्यवस्था क्या है? आज आप लोगों के प्रसाद की व्यवस्था की गई है। अब प्रसाद खाइए और प्रसाद खाने मात्र से भगवत भाव जा सकता है। कोई भी व्यक्ति। प्रसाद की बहुत अद्भुत महिमा है, बहुत अद्भुत। कोई भी व्यक्ति भगवान का प्रसाद खाता है तो वह भगवत धाम जा सकता है। अभी कथा के बाद बहुत सुंदर आप सभी के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था की गई। और प्रसाद की महिमा को क्या बताऊं प्रसाद की। आप लोग जानते हैं रामानुचार्य का नाम कितने लोगों ने सुना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जन ही रामानुचार्य का नाम सुने हुए हैं। ये तो बड़ा गजब बात है भाई। तो रामानुचार्य कौन से लोग? रंगनाथ जी के मंदिर में आज भी उनका शरीर रखा हुआ है। अब जाके देखो रामानुचार्य। तो रामानुचार्य के शिष्य गुरु हुए जिनका नाम था यादव प्रकाश। कुछ दिन के लिए गुरु थे रामानुचार्य। तो बहुत बड़े भक्त थे, साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार हैं। तो एक बार इनके गुरु जहां थे ना, वहां के राजा के पुत्री को भूत लग गया, ब्रह्म राक्षस। वो पूरा बोलने लगी। तो ये रामानुचार्य के शिष्य यादव प्रकाश इसको उतारने के लिए गए। जैसे उतारने के लिए गए तो एक लात मारा, तेरे से नहीं उतरने वाली हो जा। तो यादव प्रकाश छन रह गए, अरे मैं इतना बड़ा साधु, मेरे से नहीं उतरेंगे, कैसे उतरेंगे? बोले अगर तू मुझे वाकई उतारना चाहता है ना तो जा और अपने शिष्य रामानुचार्य की चरण धूली लेकर के। उस समय वह यादव प्रकाश जब शिष्य का चरण धूली लेने कैसे जाए, दूसरे को बोला भाई जा तू लेकर गया। तो वह गए लाने के लिए। और जब लाने गए तो उसमें भूत जो थी ना उनको देख देख के हंस रहे थे कि ऐसे भूत तो हंसते ना, मेरे को नहीं पता लेकिन ऐसे हंसते ही। तो उस समय वो बहुत हंस रहे। तो यादव प्रकाश बोल रहे हैं भाई मार भी लिया तो हंस क्यों रही हो, बताओ। बोले तुम ज्यादा उछलो मत। तो वो इसको डांट रहा है, बोल रहे क्यों? तो तुम्हें पता है कि तुम इस जीवन में यादव प्रकाश क्यों हो, तुम ब्राह्मण क्यों हो, तुम वेद को क्यों समझ रहे हो? बोले क्यों? बोले क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में गिरगिट थे। क्या थे? गिरगिट। और तुम गिरगिट थे और जिस स्थान पे थे ना वहां पे एक बार एक वैष्णव आए, एक भक्त आए और उन्होंने बहुत सुंदर प्रसाद बना करके ठाकुर जी को अर्पित किया। और अर्पित करने के बाद खुद स्वयं खाए और खाने के बाद पत्तल फेंक दिया। तो पत्तल फेंकने के बाद उसमें जो दो चार दाना रह गया था, उस दाने को तुमने स्पर्श कर लिया अपने जीवा से और उस दाने को खाने मात्र से तुम गिरगिट से ब्राह्मण बने और तुम्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हुई कि तुम वेदों को समझ सके। ये है प्रसाद की अद्भुत अद्भुत। अब तो एक बात बताऊं और एक चीज और बताऊं, जीवन में कभी भी पैसे मिले ना, ऐसे माता जी लोग तो रखते ही होंगे घर में, थोड़ा छुपा के प्रभु जी के पैकेट से निकाल के रखते कि नहीं? रख लिया करो अधिकार है। तो उन पैसों का अथवा कभी भी हमारे जीवन में पैसे आए तो सबसे अच्छा उसका उपयोग क्या है मालूम है? भगवान के भक्तों को इस प्रकार से कथा में प्रसाद के एक कथा सुना। एक व्यक्ति एक बार अपने गांव से जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे। तो सेठ आया, सेठ ने बोला
अरे भाई तू जा रहा है, देख मैं तो नहीं जा सकता, ये 100 रुपए ले जगन्नाथ जी को दे देना, ठीक है दे दो। तो वो व्यक्ति 100 रुपए लेकर के गांव से जाने लगा, जाने लगा। कुछ देर आगे गया तो देखा कि बहुत सारे संत लोग बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 और जैसे ही बांटा फिर बोले आप 2 रुपए बचा, बहुत मन प्रसन्न हुआ। अब बोले चलो इस 2 रुपए को क्या करते हैं, जगन्नाथ जी को दे देते। अब जिस दिन प्रसाद खिलाया उसी दिन जगन्नाथ जी इस सेठ के सपने में आ गए, तो पकड़े गए। लेकिन सेठ बड़ा होशियार था, वो समझ गया कि जगन्नाथ जी सपने में आए मतलब 100 रुपए का कमाल। प्रणाम वर्णाम किया सब लोग, और जगन्नाथ जी ठीक है ना, सुभद्रा देवी ठीक है, बलदेव जी ठीक है, आप लोग जगन्नाथपुर में ठीक से रह रहे हैं कि नहीं, कैसा है बता, हाल चल लिया। अब जब जाने लगे तो पूछा, जैसे जगन्नाथ जी खाली कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ कि वो मेरे गांव से फलाना नाम का व्यक्ति जा रहा था, 100 रुपए दिया था, आपको मिल गए। अब सुनिए जगन्नाथ जी क्या क्या कहते हैं, 98 रुपए मिल गए। कितना मिले हैं, 98 रुपए मिल गए हैं, 2 रुपए का हिसाब बाकी है। समझ रहे हैं, मतलब जो भक्तों को प्रसाद खिलाया वो मैंने यूज कर लिया है, लेकिन 2 रुपए जो दान पेटी में डाला गया है अभी तक मेरे पास आया। जब भी जीवन में पैसे हो ना क्या करो, भक्तों को प्रसाद खिलाओ, खास करके भागवत, ऐसे भागवत में प्रसाद खिलाने महासौभाग्य। अब बोलिए गुरु जी, तो हमारे गांव के लोग, अरे इतने 2-2 घंटे बिठा करके जबरदस्ती कथा सुना रहा हूँ, नहीं भी भक्त है तो व्यक्ति भक्त बन गया है, तो खिला दो इनको, ठीक है। आज से ऐसे मैंने शुरुआत करी दी है ना, आज प्रसाद है, कल भी कोई व्यक्ति आप लोगों में से चाहे तो प्रसाद स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। आप ध्यान रखिए, जितना यहाँ खिलाएंगे उतना जगन्नाथ जी हिसाब रख लेंगे। 5,000 दिया तो जगन्नाथ जी नोट करके रख लेंगे कि फलाना व्यक्ति 5,000 रुपया मनी अड्डा से दिया, ठीक है। बाद में कि आप लोग शैम्पू पाउडर सिगरेट विगरेट पीते हैं तो उसका हिसाब जगन्नाथ जी नहीं रखते, गाड़ी वाड़ी खरीदते हैं आप लोग तो उसका हिसाब नहीं रखते, लेकिन यहाँ खिलाओगे तो उसका हिसाब कौन रखेगा, जगन्नाथ जी। क्या लगता है खिचड़ी में क्या लगता है बता, 10 किलो चावल 20 किलो चावल 5 किलो दाल, अरे 2-4 हजार रुपए, 2-4 हजार रुपए तो बहुत लोग खा लेते, क्यों नहीं खाएंगे। और किसके पास 2-4 हजार रुपए नहीं है, थोड़ा हाथ खड़ा करो, तो थोड़ा खड़ा करो हाथ, जिसके पास 2-4 हजार रुपए नहीं है
सबके पास है। माता जी सबका नाम नोट करो और सबको कथा में प्रसाद स्पॉन्सरशिप कराओ। सबके पास है ना, ज्यादा से ज्यादा 4,000 5,000 रात 5,000 रुपए में 300 आदमी 400 आदमी आराम से खा सकते, आराम से पेट भरे अगर अच्छे से किया जाए तो। अब जो ले रहा है उसका इच्छा है कि कुछ पैसा मेरे पैकेट में भी आ जाए, तब तो आप 50,000 दे दोगे तो नहीं बोलूंगा। तो बहुत सुंदर आज प्रकार से प्रसाद की व्यवस्था की गई है, आप लोग भी प्रसाद की व्यवस्था जरूर करो। अच्छा बताओ लोग क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि घर पर टेंशन है, खिचड़ी बनाना पड़ेगा, प्रसाद बनाना पड़ेगा खाने के लिए। अगर प्रसाद यहीं मिल जाए तो लोग घर पे क्यों रहेंगे? तो अच्छा ठीक है प्रभु जी, 4,000 छोड़ना तो बड़ा दिक्कत लग रहा है। सब लोग मिल मिल के क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा थोड़ा करके यही प्रसाद बने, घर पे बनाते तो बनता ही है ना, खर्च तो लगता ही होगा, वो खर्च यहाँ पे दे दो, प्रसाद खाओ, प्रसाद खिलाओ और हरी हरी गुण गा। इस प्रकार से प्रसाद की बहुत महिमा। आप देखिए नारद जी केवल प्रसाद खाने मात्र, साधुओं से कथा सुनने के मात्र से रामदास नारद जी बन गए, भगवान के बहुत बड़े भक्त बन गए। इसीलिए प्रसाद आप लोग तो घर में खाना खाते होंगे, उसको खाना नहीं बोलते, उसको खूसना बोलते, क्योंकि खाना तो उसे बोलते हैं ना जो भगवान को भोग लगा, ठीक है? जो चीज बिना भगवान को भोग लगाए हुए खा रहे उसको ठूसना बोलते हैं। क्या बोलते? पाप करना। क्या बोलते? पाप करना। वो पाप है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना मुझे भोग लगाए खाता है वो अन्न नहीं खा रहा है, क्या खा रहा है? पाप खा रहा है। आप लोग तो भोग लगाते ही होंगे, कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी हम लोग मिश्री दाना और बादाम भोग लगाते हैं और चावल दाल खुद ठूस लेते हैं। तो ऐसे ठूसने से काम नहीं चलेगा, क्या करना चाहिए हमें? अब देखिए भगवान को भोग लगाने के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि प्रभु जी माथा नीचे करके और पांव ऊपर करके खाना बनाएंगे ना तब भगवान भोग, ऐसा नहीं। अब जो बना रहे वही भगवान को खिला दो, वही चीज भगवान को खिला दो, ध्यान रखो जो चीज भूख लगा रहे वही भगवान को खिला दो। किसके घर में दाल चावल सब्जी नहीं बनती है? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताओ कौन व्यक्ति है जिनके घर में दाल चावल भोग नहीं बनता है? हाँ सबके घर बनता है कि नहीं बनता है? कि नहीं बनता है? बनता है। क्यों नहीं हम भगवान के सामने रख सकते? डायरेक्ट जो चूल्हे से उतार करके ठूसने के लिए अपने सामने ले आते हैं उससे अच्छा है ना भगवान के सामने रखा जाए। भगवान कहते जो व्यक्ति उसे भोग लगाए गए खाता, क्या कहते हैं? यज्ञ शिष्ट शिनासन तो मुच्यते सर्व किल्पिते भुंजते यदि त्वघं पापम, ये पचन क्या? भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वह भगवान को अर्पित करके भोग भोग प्रसाद खाते हैं। अन्य लोग इंद्रिय सुख के लिए ठूसते हैं, इसलिए वह भोजन बनाते हैं और वे निश्चित रूप से मतलब क्या होता है? डेफिनेटली डेफिनेटली वो क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। ऐसा आप लोग मेरे ऊपर शक मत करना कि भगवान बोलते हैं, मैंने पहले ही आप लोगों को अनाउंस किया था ना कि मैं जो यहां से बोलूंगा वो कहां से बोलूंगा? शास्त्र से। आप लोग बोले प्रभु जी कहां लिखा हुआ है? आपके पास श्रीमद् भगवद गीता है? कितने लोगों के पास श्रीमद् भगवद गीता है? हाथ उठाओ। ये क्या दुर्दशा है, ये क्या दुर्दशा है? प्रभु जी बहुत सुंदर कल बता रहे थे कि मुस्लिमों के पास पूछो सबके पास कुरान, क्रिश्चियनों से पूछो सबके पास बाइबल, लेकिन ये हिंदुओं की दशा। हमारा सबसे जो आधार है वही, इसलिए हम लोग आप लोगों के लिए भगवद गीता लेकर के आए हैं। अरे वो ठीक है, तो आप लोग भगवद गीता जरूर लेना,
ठीक है, जो भी सूत्र बता दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग भगवद गीता जरूर ले लो, जरूर ले। और भगवद गीता में तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में लिखते हैं भगवान, क्या कहते हैं, कौन से अध्याय के, तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्वकिं से भुञ्जते तेतोऽहं पापं यत्पचन्ता। जो व्यक्ति भगवान को भोग लगा के चावल दाल सब्जी ग्रहण नहीं करता वो क्या खा रहा है, पाप खा रहा है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, भगवान को भोग लगा के कल ध्यान रखिए कि भगवान लहसुन प्याज मीट मछली इत्यादि नहीं खाते, भगवान क्या क्या खाते वो अभी गीता में बता दिए, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ता परेशते, पत्र पुष्प फल यही चीज भगवान खाते हैं, आप भी वही खाते हैं, चावल दाल सब्जी फ्रूट्स बस यही भगवान खाते हैं। भगवान शराब मांस मुर्गा ये सब चीज नहीं खाते। तो भगवान को हमें लहसुन प्याज भी भगवान नहीं खाता, तो हमें भगवान को क्या खिलाना चाहिए, दाल चावल सब्जी इत्यादि जो भी बनता है उसको भगवान के सामने भोग लगाओ और खाओ। आप महसूस करेंगे कि उस खाने पर, आज आप खिचड़ी खाना फिर महसूस करेंगे भगवान का प्रसाद अद्भुत सा। तो इस प्रकार नारद जी बहुत सुंदर प्रसाद खाए, भक्तों के संगति किए और अपने जीवन को धन्य कर दिए, नारद जी के रूप में प्रकट। और नारद जी ने बहुत लोगों के ऊपर कृपा किया, भक्तों बहुत लोगों के ऊपर किया। सर्वप्रथम नारद जी ने कृपा की वेद व्यास जी के ऊपर, किसके ऊपर, वेद व्यास। भक्तों जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ होने लगा था तो वेद व्यास जी ने सोचा कि अब तक इस जगत में जितने भी वेद हैं वह क्या है, स्मृति में है, उसको क्या करना चाहिए, लिपिबद्ध करना चाहिए। प्रायः क्योंकि सभी कलयुग में लोगों की आयु जो है सो बड़ी कम है, सतयुग में लोगों की आयु कितनी होती थी याद है आप लोगों को, 1 लाख, 1 लाख वर्ष, त्रेता 10,000, द्वापर युग 1,000, कलयुग में आते आते 180। तो उस समय वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया। अब तो क्या हम लोग 100 वर्ष तो नहीं जीते होंगे, 50-60 साल काफी है, आने वाले दिन में तो और कम हो जाएगा, जिस प्रकार के खाने बन रहे हैं क्या हो जाएगा और खराब हो जाएगा। तो जब भगवान ने सृष्टि किए भक्तों इस संसार की सृजन किया तो सृष्टि के सृजन के साथ साथ भगवान ने निर्माण किया वेदों को, गीता भागवत शास्त्रों को, क्यों, क्योंकि लोग इसे पढ़ने और अपने जीवन जीने की कला को क्या करें, सीख सके। जैसे आप लोग टीवी फ्रिज इत्यादि खरीदते हैं, कितने लोगों के घर पे फ्रिज है, कितने लोगों के घर पे फ्रिज है, आप लोगों के घर पे नहीं है, हाथ खड़ा करो, फ्रिज वाले टीवी वाले, अरे खड़ा करो, अरे शर्माओ, नहीं मांगू मैं, नहीं आप चिंता मत करो, मैं नहीं देखता हूँ टीवी, विश्वास करो मेरा, नहीं देखता मैं, मांगू हाथ खड़ा कर दो सारे, अब तुम्हारे घर पे नहीं है, आपके घर पे बड़ा टीवी है, फ्रीज है, अरे खड़ा करो, नहीं लेके जाऊंगा, विश्वास करो मैं चोरी नहीं करने आया हूँ, विश्वास करो, आप लोग के घर पे टीवी फ्रीज है, अभी आपको कुछ समझाऊंगा उस टीवी फ्रीज, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ है कि नहीं है, जिनके जिनके घर पे नहीं है वो लोग हाथ नहीं खड़ा, वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जिनके घर पे नहीं है। अच्छा नहीं वाले एक ही दो जने, 20,000 रुपए की टीवी हो सकती है, फ्रीज हो सकती है, 200 रुपए की भगवद गीता हो सकती है, ये दुख है, ये दुख। तो मैं टीवी फ्रीज क्यों पूछ रहा था,
आप लोग जब टीवी क्विज लाए होंगे तो आपको एक छोटा सा बुक दिया गया था, हाँ दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मैनुअल, यूजर मैनुअल, राइट? यूजर, अभी ये खर्चा भी मिक्सर तो आपको यूजर मैनुअल दिया ही होगा, गाड़ी खरीदते हैं तो यूजर मैनुअल दिया जाता है ना। अब देखिए, अगर आप उस यूजर मैनुअल को बिना पढ़े और टीवी फ्रिज को, अरे वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, सब ध्यान क्यों दिए हुए, क्या हो रहा है वहां पे, टेबल बन रहा है उसके ऊपर इतना मतलब लगे हुए, यहाँ सुनो कथा सुनो, क्या बोल रहा था बताओ, इतना एकदम मतलब कोई चीज के थोड़ा सा कुछ होना चाहिए बस। वो लगा रहे महाराज का फोटो और कुछ, तो जैसे वह यूजर मैनुअल को बिना पढ़े हुए अगर आप टीवी और फ्रिज यूज करेंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, बिगड़ गया। वैसे जब भगवान ने मनुष्य को बनाया ना तो एक यूजर मैनुअल दिया, क्या? भगवत गीता, भागवतम, श्रीमद् भागवत महापुराण, शास्त्र, वेद। अब हमने क्या किया, बिना उनको पढ़े हुए ही अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया, तो हमारा आज क्या हुआ, जैसे टीवी फ्रिज बिगड़ जाता है वैसे हमारी जिंदगी क्या हुई आज, बिगड़ गई है। शराब, पान, गुटखा, खैनी, मांस, मछली, मदिरा, ना जाने क्या क्या करते हैं, ये सब क्या बिगड़े जीवन की पहचान है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए उन सारे शास्त्रों को वेद व्यास ने सोचा कि भाई ये इतने विशाल मात्रा में है, अलौकिक संस्कृत में है, कलियों के लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, कलियों के लोगों को समझाने के लिए क्या करते हैं, थोड़े लौकिक लौकिक संस्कृत में। वेद व्यास जी बैठ गए, सर्वप्रथम चार वेदों को लिखे, कौन से वेद बताओ, सामवेद, ऋग्वेद, अजुर्वेद और अथर्ववेद। अच्छे हैं, गांव की माताएं, छोटी छोटी बच्चियां बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बुजुर्ग बिगड़ चुके हैं लेकिन बच्चियां अच्छी होती जा रही हैं, बच्चे अच्छे होते जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो इस प्रकार से उन्होंने लिखा, फिर क्या लिखे, 108 उपनिषद लिखे, कितने उपनिषद लिखे, और उसके बाद 17 पुराण लिखे, फिर महाभारत, रामायण जैसे दोनों इतिहास लिखे, है ना। लेकिन 17 पुराण लिखने के बाद भी वेद व्यास का मन क्या कहते हैं उसको, स्थिर नहीं हुआ, बोले बड़ा टेंशन हो रहा है मुझे, बड़ा टेंशन हुआ, बड़ी चिंता है। उस समय उनके गुरु नारद जी वहां पर बैठे और बताया कि नारद जी देखो मैं इतने 108 उपनिषद लिखा, चार वेद लिखे, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी अभी तक मेरा मन को शांति नहीं। तुरंत नारद जी समझ गए और समझते उनको डांटा, तुमने चार वेद तो लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन जो लिखना था वो लिखे। नारद जी तुमने क्या किया, 17 पुराण लिखा, देवी पुराण लिखा तो देवी जी की बड़ाई, शिव पुराण लिखा तो शिव जी की बड़ाई, अग्नि पुराण लिखा तो अग्नि जी की बड़ाई, इस प्रकार से किया, मतलब जिसका जिसका विवाह उस दूल्हे का गुणगान किया, लेकिन जो करना था वह नहीं किया। होता है ना, जिस लड़के की शादी होती है उसकी बड़ी बड़ाई की जाती है, मेरा दूल्हा ऐसा है वैसा है, लाखों मिल देखते हैं, सुंदर है, और इतना खराब है कि सवेरे सवेरे मुंह देख लो तो दिन भर खाना नहीं मिलेगा, लेकिन शादी है तो लड़के, अरे हमारा दूल्हा ऐसा वैसा, तो उसी प्रकार से आप लिखते हैं, ये सही है। आपको जो लिखना चाहिए था आपने लिखा ही नहीं, क्या लिखना चाहिए था आपको, बहुत डांटा, वेद व्यास जी जिस चीज को लिखने के लिए आपको कहा गया था आज तक क्या, तो कहते हैं संसार में तीनों लोगों को, तीनों भुवनों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कथा, श्रीमद् भागवत कथा आपने अभी करने के लिए भवतानंद प्रायम यशो भगवतो। वेद व्यास जी अब एक काम करो, अपने जीवन का अंतिम डिसीजन दे दो, क्या वेद व्यास जी,
अब अपने जीवन की अंतिम कमाई लिख दो। क्या? श्रीमद् भागवत ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कथा खत्म नहीं हुई है, ग्रंथ इस प्रकार से लिखाया। कौन सा? भागवत। उन्होंने कहा वेदव्यास जी आपने ये जो लिखा है ना, ये जब शिव पुराण पढ़ने वाले, काली पुराण पढ़ने वाले, देवी पुराण पढ़ने वाले एक दूसरे से मिलेंगे ना तो वो लड़ेंगे और उनके लड़ाई का दोष आपके मत पे चढ़ाए वेदव्यास जी, इसीलिए आज आपका मन क्या है? इसीलिए हे नारद, हे वेदव्यास जी, जब तक आप कृष्ण की विशुद्ध लीला रचित है, आप जब तक श्रीमद् भागवत कथा नहीं करते, श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करते, तब तक आप सुखी नहीं कर सकते, इस संसार की जनता सुखी नहीं हो सकती। इतना करके नारद जी वहां से चले गए भक्तों। और फिर वेद व्यास जी ने कहते, निर्गते नारदे सुतो भगवान बादरायण श्रुतवान तभी वेदम ततः किम करोत विभु। श्री वेद व्यास जी समाधि में बैठे और समाधि में बैठ करके श्रीमद् वेद व्यास श्रीमद् भागवत इस प्रकार से बहुत सुंदर लिखा। उसमें लिखते हैं किम सुरते, किम सुरते बहुर भी शास्त्रे पुराने शब्द। अरे यज्ञ शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ के क्या फायदा, जब मैंने श्रीमद् भागवत पुराण लिख दिया है तो क्यों इधर उधर माथा पटक रहे। संस्कृत का एक कहावत है भक्तों, कहां कीर्तन हो रहा है, क्या लिखा, क्या बोला रहा है? हाँ, संस्कृत का एक सिद्धांत है कि पूर्व पक्ष से उत्तर पक्ष बलवान होता है। पूर्व में कही गई बात उत्तर पक्ष में कही गई बात से बलवान नहीं होती है, उत्तर पक्ष की बात बलवान। अब जैसे मान लो मैं कहूं लाली चरण बेकार आ रहा है, कोई काम का नहीं, इनको कुछ नहीं, अरे एकदम बेकार नालायक। अब ऐसे ऐसे शब्दों का वर्णन करो और कहने के बाद कहो नहीं नहीं अरे मैं तो ऐसे ही बोला था, लाली चरण कोई काम का ही नहीं बहुत ही काम का व्यक्ति। तो मेरा कहने का क्या था, कौन सा बात सत्य हुआ जो मैंने बार बार किया, समझ रहे, समझ रहे कि मैंने इनके पीछे बहुत सारी बातें बताई, बहुत बेकार है, बहुत इनको कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर बाद में बोल दिया अरे रे रे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, ये बहुत ही काम के व्यक्ति है, देखो अभी आपके सामने कीबोर्ड बजा रहे, कितना मीठा मीठा ट्यून निकाल रहे, यही है लाली चरण। तो ऐसा नहीं है, उनके ऊपर ये नहीं कर रहा हूं, सिद्धांत बता, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। बहुत कुछ बोल दिया लेकिन अंत में क्या लिख दिया कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो पूर्व में कहे गए मेरी सारी बातें फेल, और जो कह दिया कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति है वह बात। उसी प्रकार से बहुत सारे शास्त्र बहुत सारे पुराण लिखे लेकिन बाद में कह दिया कि किम सुत्वा बहुत भी अन्य शास्त्रों को पढ़ करके क्या फायदा, जब मैंने क्या लिख दिया है। इस प्रकार से वेद व्यास जी के परमारी से कृपा किया। नेते चंच का क्षमा चाहूंगा, वेद व्यास जी लिखते हैं भागवत में, नेते चंच कला पुंस कृष्णस्तु भगवान से इंद्रियादि इंद्रियादि व्याकुलम बढ़िया युगे। अन्य सभी क्या है, भगवान के अवतार है, लेकिन कृष्ण कौन है, कौन है कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी बोलो तो ना, ऊपर उठाओ, अरे बोलो, अरे ऊपर करो हाथ, जोर पूरा ऊपर करो,
कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो बाकी सब अवतार है और कृष्ण तो इस प्रकार से और भी बहुत लोगों के ऊपर नारद जी ने कृपा की। भक्तों आप जानते ही हैं वाल्मीकि ऋषि मृगरारी इन सब के ऊपर किनकी कृपा, नल भुवर मणि ग्रीव इन सब के ऊपर किनकी कृपा, प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज इन सब के ऊपर किनकी कृपा। तो ऐसे नारद जी हमारे बीच लड़ाई लड़ाने के लिए नहीं आते, क्या कर रहे आते, भगवान का भगवान के भक्ति प्रदान करने क्यों आते हैं, भगवान की भक्ति के लिए। तैसे नारद जी से प्रार्थना करते हैं कि सभा में बैठे हुए समस्त भक्तों का समस्त श्रोताओं को नारद जी भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण के गुरुशेन प्रभुपाद के जय। जय गौर प्रभुमानंदे हरि हरि बोल। कल से कथा में विलंब नहीं होगा, 5 बजे कथा शुरू कर देंगे, ठीक है। Yeah.
है भजन का। देखिए हमारे जो श्याम गोपाल प्रभु है वो स्वामी डांस कर रहे हैं, आप लोग डांस करना नहीं जानते हो। पल पल बोले वृंदावन में हरिहर की जय, राधारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज तीसरा दिवस यहाँ पूर्ण हुआ। आज थोड़ा सिस्टम में बदलाव के कारण विलंब हुआ और कथा भी विलंब से प्रारंभ हुई और विराम भी विलंब से हो रहा है, इसलिए हम कथा कमेटी की ओर से क्षमा चाहेंगे। आज बहुत पवित्र दिन है, आज के दिन पूरे विश्व में और विशेष करके जगन्नाथपुरी उड़ीसा, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में भगवान भव्य रथ यात्रा उत्सव में आज चल रहे हैं। मैं अभी दोपहर में मुझे वीडियो कॉल आया था, 25 लाख लोग उड़ीसा जगन्नाथपुरी में रथ खींच रहे हैं और 1.5 लाख पुलिस प्रशासन, कितना 1.5 लाख पब्लिक तो 25 लाख है ही है, लेकिन 1.5 लाख पुलिस प्रशासन, ये भव्य जगन्नाथपुरी में और बाकी इस्कॉन के सभी मंदिरों में रथ यात्रा का उत्सव। मुंबई में, मुंबई से फोन आया था अभी लगभग 10:15 बजे, भक्त लोग थके हारे आए, 6 घंटा रथ खींचे हैं मीरा रोड इस्कॉन में, बारिश इतनी हो रही है फिर भी माइक साउंड पता नहीं कैसे, वहाँ के मुंबई के जो लोग तक कैसा सिस्टम था माइक था कि पानी खूब हो रही है और उस पानी में सब लोग भीग कर माइक भी चल रहा है, नाच रहे गा रहे सब। तो हमारा सौभाग्य कि आज हम लोग भी सुबह थोड़ा सा हम भी भगवान जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए कीर्तन की फेरी आज हम लोग गए थे, तो बहुत ही सुंदर आज जगन्नाथ रथ यात्रा। और आज इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के खास विशेष कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज जी का आज जन्मदिन, हम लोगों के जो गुरु जी हैं उनका आज जन्मदिन है, 73वां जन्मदिन, यानी 73 साल के आज वो हो जाएंगे और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर आज सबके लिए प्रसाद भी है और केक कटिंग भी होगा, उसके पहले केक कटिंग से पहले हम लोग पुष्पांजलि, केक कटिंग पहले करेंगे हमारे आदरणीय व्यास जी श्रीमान रूपानु प्रभु जी के कर कमल से। अरे प्रभु जी नहीं लिए थे, तो आइए हम पहले केक कटिंग होगा, उसके बाद पुष्पांजलि, सबको फूल दिया जाएगा, सब लोग आकर फूल अर्पण करके प्रणाम करेंगे,
और उसके बाद भागवत जी की आरती और आरती के बाद सबके लिए प्रसाद। तो आइए प्रभु जी का आदेश है कि थोड़ा महाराज जी के बारे में दो मिनट बताया जाए। तो सर्वप्रथम हम वर्तमान में तो हमारे लिए शिक्षा गुरु रूपानुग प्रभु जी हैं। तो आइए आज की जो कथा इतनी सुंदर, जो आप वराह अवतार की कथा सुन रहे थे, तो मैं इनका शिक्षा गुरु नहीं हूँ, ये मेरे शिक्षा गुरु है। ठीक है, जब मैं भक्ति में आया तो ये इनकी कृपा है। मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा था, प्रभु जी पहले से ही भगत थे। ठीक है, और जाता था तो प्रसाद खिलाते थे, घर के लिए भी लेते थे, जाओ घर पे भी खिला। ठीक है, प्रसाद खा गया भगत बन गया। ठीक है, ये हमारे शिक्षा गुरु सो रहे थे, मैं इनका शिक्षा गुरु नहीं। तो आइए हम आदरणीय श्रीमान रूपानुग प्रभु जी का जो इतनी अच्छी कथा सुनाए उनका धन्यवाद करते हैं महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों, दो मिनट गुरु महाराज जी के विषय में। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी का जन्म, जैसा कि प्रभु जी कथा में बताया, रोहतास जिले में कुदरा, भभुआ सासाराम कुदरा आसपास का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में माँ मुंडेश्वरी धाम है, बहुत प्रसिद्ध पर्वत पर, और उस क्षेत्र में गुप्तेश्वर धाम, जिसको गुप्ता धाम भी लोग बोलते हैं। जब मोहिनी अवतार भगवान लिए थे, भस्मासुर शिव जी के ऊपर हाथ रखने चला तो शिव जी भागे हैं गुफाओं में, तो जहाँ जहाँ भागे वहाँ गुफा तैयार हुई है, उनका जटा जहाँ जहाँ स्पर्श हुआ वहाँ जटा आज भी बना हुआ, और बारहों महीना उस गुफा में जटा से भगवान के पानी टपकता है। मैं एक बार परम पूज्य आनंद कृष्ण महाराज के साथ गया था, श्रावण पूरे श्रावण मेला लगता है, बहुत दूर दूर से लोग पैदल आते हैं जल चढ़ाने, जैसे आपके बाबा धाम बैजनाथ धाम लोग आते हैं वैसे ही। और वहाँ हर्षुब्रह्म धाम है, तीन धाम बहुत प्रसिद्ध है हमारे क्षेत्र में, तो वहीं उनका जन्म हुआ। जन्म से ही गुरु महाराज जी परम भक्त थे, गीता भागवत रामायण के बहुत विद्वान, और प्रभुपाद जी से गीता प्रेस गोरखपुर में इनकी मुलाकात हुई। तो प्रभुपाद जी राधा गोविंद महाराज जी को देखकर समझ गए थे कि ये लड़का इस्कॉन का बहुत बड़ा प्रचारक बनेगा और ये कृष्ण को तत्व से जानता है। प्रभुपाद जी परीक्षा लेने के लिए राधा गोविंद महाराज जी से पूछे कि बताओ चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो राधा गोविंद महाराज जी बोले चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, स्वयं कृष्ण। तो प्रभुपाद जी के परीक्षा में पास हो गए और प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दी और बोले कि जाओ प्रीचिंग करो। तो गुरु महाराज जी समझ नहीं पाए प्रीचिंग मतलब क्या, बोले प्रीचिंग क्या होता है, बोले जो तुम कर रहे हो लोगों को कृष्ण भक्ति का ज्ञान दे रहे हो इसी को प्रीचिंग नहीं कर। अच्छा से तो मैं कर ही रहा हूँ, तो और अच्छे से करो। तो गुरु महाराज जी गांव क्षेत्र में, जंगल पहाड़ आदिवासी क्षेत्र में, गरीब बस्तियों में ज्यादातर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी गांव क्षेत्र में ज्यादा कीर्तन कथा की और निशुल्क से प्रचार किए, कथा किए। आज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के करोड़ों शिष्य है पूरे दुनिया में, देश विदेश में भी कथा किए। अब तो अस्वस्थ हो गए हैं, 73 साल के हो गए, वृंदावन में एक जगह रहकर गोवर्धन परिक्रमा, यमुना जी का दर्शन, वृंदावन परिक्रमा, वृंदावन में ही रहते हैं, कभी कभी कथा साल में एक दो बार भागवत कथा करते हैं। तो ऐसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का आज जन्म उत्सव है, व्यास पूजा है, तो हम लोग अभी केक कटिंग करेंगे, जो कि भोग लग चुका है। केक कटिंग करने के बाद पुष्पांजलि करेंगे और उसके बाद आरती और सबके लिए प्रसाद। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। केक कटिंग के समय बैठे रहेंगे आप लोग, फूल अर्पण के समय खड़ा होंगे, तो अभी आप सब बैठे रहेंगे और मैं रूपानुग प्रभु से निवेदन करूंगा। वो भी कर सकते, आरती करा के भी कर सकते, पहले केक कटिंग फिर आरती फिर लास्ट में पुष्पांजलि। ठीक है, हरे कृष्ण।
सभी लोग मेरे पीछे बोलेंगे आपको थोड़ा बजाने में साथ दीजिए। हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, कृष्णा कृष्णा टू यू, हरे 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 रामा टू यू, हरे रामा टू यू, राम रामा टू यू, हरे 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 कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, कृष्णा कृष्णा टू यू, हरे हरे। इस दिन राधा गोविंद को स्वर्ग महाराज की। हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, कृष्णा कृष्णा टू यू, हरे 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 रामा टू यू, हरे रामा टू यू, रामा रामा टू यू, हरे 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 कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, कृष्णा कृष्णा टू यू, हरे 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 रामा टू यू, हरे रामा टू यू, राम रामा टू यू, हरे हरे। आरती 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 का तैयारी सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती आरती का प्लेट, आरती का प्लेट। रत्नाशुभ की जगद्गुरु श्री रघुवाद की आरती की पावन पूरा Thank you.
आरती वही लेंगे और फूल भी चाहेंगे। पहले भक्त फूल चलाएंगे, इसके बाद आरती करेंगे। पहले फूल चलाएंगे, इसके बाद आरती ले लेंगे और अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। चढ़ा के जा करके भाई वही खड़े हो जाएंगे, कैसे जगह मिलेगा। हरिभक्त थोड़ा फूल सबके हाथ में दे दीजिए, मंत्र हमें खोलेंगे। तीन बार मंत्र बोलना है, तीन बार में फूल यहाँ आगे नहीं आना है, वहीं से अर्पण कर देना है। थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा दीजिए सबको, अरे नहीं थोड़ा थोड़ा दीजिए सबको, बहुत 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 थोड़ा थोड़ा दे रही है, ऐसे कर रही हो। हरे कृष्ण, आप सब लोग मंत्र बोलते रहिए, फूल सब थोड़ा थोड़ा दीजिए सबको। बाबा आप ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बच्चे को, थोड़ा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आप बीच में जाइए, बीच में। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मंत्र बोलना है, तब फूल अर्पण करना। क्या कर रहे हैं, बार बार बोला जा रहा है। बोलिए सभी लोग, नमः विष्णु पदाय, विष्णु पदाय।
कृष्ण कृष्णाय कृष्ण कृष्णाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदांता भक्तिवेदांता स्वामी स्वामी इति नामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेषा निर्विशेषा शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे तारिणे जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। आप ध्यान दीजिए, तीन बार एक मंत्र हम लोग बोलेंगे और जो आप लोग फूल दिए हैं अपने अपने स्थान से उस फूल को तीन बार डालना है, तीन बार मंत्र बोल बोल। पहले मैं एक मंत्र बोल रहा हूँ फिर डालेंगे, इति पुष्पांजलि जब बोलूंगा तो एक बार बार डालिएगा, फिर मंत्र बोलकर दूसरी बार और तीसरी बार मंत्र बोलकर तीसरी बार, तीन बार मैं उसको थोड़ा थोड़ा दो दो ही दाने डालने लगे तीन बार बार। चलिए सब लोग बोलिए नमो विष्णु पदाय, अभी नहीं डालना है, इति पुष्पांजलि बोलूंगा। कृष्ण प्रस्थाय प्रस्थाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते राधा गोविंद राधा गोविंद गोस्वामी नीति नामिने गोस्वामी नीति नामिने नमस्ते नमस्ते प्रभुपादिय देवे प्रभुपादिय देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेषा निर्विशेषा शून्यवादी शून्यवादी इति पुष्पांजलि पुष्पांजलि। एक बार अभी दो बार के लिए बचा के रखिए। नमो नमो विष्णु पदाय विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते राधा गोविंद राधा गोविंद गोस्वामी गोस्वामी इति नामिने नामिने नमस्ते नमस्ते प्रभुपादिय देवे प्रभुपादिय देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेषा निर्विशेषा शून्यवादी शून्यवादी ग्राम्यजन विस्तारिणे विस्तारिणे इति पुष्पांजलि पुष्पांजलि। एक बार बार और बच्चा करते नमो नमो विष्णु पदाय विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी गोस्वामी इति नामिने नमस्ते नमस्ते प्रभुपादिय देवे प्रभुपादिय देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेषा निर्विशेषा शून्यवादी शून्यवादी ग्राम्यजन विस्तारिणे विस्तारिणे पुष्पांजलि पुष्पांजलि। थोड़ा थोड़ा पीछे होकर प्रणाम करेंगे, माथा टेक कर सब लोग माथा टेक कर प्रणाम करेंगे। हे जोजनेश परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की जय। श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज व्यास पूजा की जय। अभी सब लोग प्रसाद लेकर ही जाएंगे सबके लिए, आज भंडारा।